दोस्तों, हम सबका अवचेतन मन बहुत समझदार है। ये सभी सवालों के जवाब जानता है। बहरहाल, इसे पता नहीं होता है कि यह जानता है। यह आपके साथ बहस नहीं करता है या पलटकर जवाब नहीं देता है। यह ऐसा नहीं कहता है, आप मुझ पर इस तरह के सुझावों की छाप न छोड़ें। जब आप कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूं, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन में भर रहे हैं। यह इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आप दरअसल अपनी ही भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको दरअसल यह विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। इसका परिणाम होता है मानसिक और भावनात्मक संकुलन, जिसके बाद बीमारी और न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती हैं। अपनी इच्छाओं को साकार करने और कुंठा से उभरने के लिए दिन में कई बार दृढ़ता से कहें, असीमित बुद्धिमत्ता ने मुझे यह मनोकामना दी है और यही मुझे इसे साकार करने की आदर्श योजना की राह दिखाती है, उस ओर ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है और मैं जो महसूस करता हूं तथा जिस पर मन में दावा करता हूं, वह बाहर व्यक्त होती है। संतुलन और समबुद्धि हर ओर है। दूसरी तरफ, अगर आप कहते हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूं, तो आपको आपके अवचेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन आपके लिए काम करे, तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही आग्रह करना होगा। ये आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। ये इस समय भी आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित कर रहा है। जब आपकी उंगली कट जाती है, तो यह उपचार की जटिल प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी सबसे मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। आपके अवचेतन के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन यह आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं, तो आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाए। आपको यह मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास जवाब है। अगर आप कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है भी या नहीं, मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूं, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने मस्तिष्क के पहियों को विराम दें, आराम से बैठ जाएं, शिथिल हो जाएं, शांति से कहें, मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है, यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है, यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई ज्यादा अच्छा विचार चुने, आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसके बजाय इसे यह आदेश दें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूं। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुने। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीज हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह न कहें, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता। यह इन चीजों को हकीकत में बदल देगा। आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती है।
ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसा प्रयोग करते हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए करें। कभी यह न कहें, मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह पर आगे दिया वाक्य रखकर इस डर से उबरे, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति न दें। अपने विचार खुद चुनें और अपने निर्णय खुद लें। आप अपनी आत्मा, अवचेतन मन के कप्तान हैं और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुनें, प्रेम चुनें, सेहत चुनें, खुशी चुनें।